हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये थालपोश का डिज़ाइन। देखें, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसे बनाना भी इजी है। आए देखें ये किस तरह से बनके तैयार होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप 5 चैन बनाएंगे। देखें इस तरह से बांध देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप इस तरह से इसमें बांध देंगे। तीन चैन बनाएंगे, 1, 2, 3 इस तरह लेंगे और इस तरह से यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें इस तरह से एक चैन लेंगे और इसमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमें करीब 8 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखें 1, 2, 3 बार बना लिए हैं। यहाँ एक चैन भी लें। चैन लिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक हमारा ज़्यादा हो गया है। देखें इस तरह से 8 बनाने के बाद आप एक चैन लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बांध देंगे। इस तरह हमारा ये सर्कल बन जाएगा। अब आप देखें इस खाने में आएंगे आगे वाले में और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे वाले खाने में आएंगे, इस तरह क्रोशिया लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें इस तरह से 7 बार बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमने 7 बार डबल क्रोशिया बनाया है। पहले इस खाने में आप एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे वाले खाने में आएंगे 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे वाले में आएंगे तो हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम आगे वाले इसके खाने में आएंगे तो इसमें हम 7 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। आगे वाले खाने में आएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे वाले खाने में आएंगे, हम डबल क्रोशिया 7 बार फिर से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 छः और 7।
आगे वाले खाने में आएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें आएंगे और इसमें फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब आप इसमें देखें, यहाँ आएंगे और इस तरह से इसमें बांध देंगे। देखें, ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया है। देखें फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3 और देखें इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया एक बनाएंगे। अब आप 1, 2, 3 चैन लेंगे और इसी में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आप 1 चैन लेंगे और इसी में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखें, ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब आप 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखें, यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चैन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3 और देखें इसी में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आप 1 चैन लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसी में बांध निकाल के। अब आप 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आएंगे इसमें और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चैन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया इसी में से बनाएंगे, 3 चैन लेंगे और इसी में फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चैन लिया और डबल क्रोशिया फिर से एक बार इसी में बना लिया। देखें, इसी तरह से हम ये चारों जगह इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। अब हम 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आएंगे और इसी तरह जैसे यहाँ बनाया यहाँ भी हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 चैन डबल क्रोशिया, 3 चैन डबल क्रोशिया, 1 चैन और इसमें फिर से डबल क्रोशिया। अब आप यहाँ पे 1, 2 चैन बनाएंगे और इस तरह से लेंगे फंदा और यहाँ पे इस तरह से यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस तरह से बांधते हुए बीच में आ जाएंगे। देखें, ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया है। देखें फ्रेंड्स, अब हम देखें यहाँ से 4 यहाँ 4 यहाँ छोड़ के बीच वाले फंदे में
हम बांध देंगे। देखें यहाँ से गिने आप, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये चौथे फंदे में इस तरह से यहाँ लाके फंदा बांध देंगे इस तरह से। बीचों बीच हमने फंदा बांध दिया है और अब देखें ये हमारा जो है यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया इसके अंदर से 7 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह बन जाएगा। इस वाले में आएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। आगे वाले में आएंगे, इसमें डबल क्रोशिया हम जैसे यहाँ बनाया उसी तरह 7 बार इस खाने में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 अब देखें हम फिर से यहाँ 3 1 2 3 चौथे वाले में आएंगे और इस तरह से यहाँ पे फंदा यहाँ पे बांध देंगे। अब इसमें जैसे हमने यहाँ बनाया डबल क्रोशिया 7 बार, फिर सिंगल क्रोशिया से यहाँ बांध देंगे और डबल क्रोशिया फिर इस खाने में 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आएंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे, इसमें आएंगे फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इसमें आएंगे। 1 2 3 4 चौथे में आके इस तरह से बांध देंगे। अब हम फिर से यहाँ हम इसी तरह रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ 2 फूल बनाए हैं, इसी तरह अब हम यहाँ पे 7 बार डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 7 बार डबल क्रोशिया यहाँ बांधेंगे और इसमें 7 बार डबल क्रोशिया, फिर इसमें 1 बार सिंगल क्रोशिया और इसमें फिर से 7 बार डबल क्रोशिया। मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखें ये हमारा कंप्लीट होने के बाद आप यहां से देखें इस तरह से इसमें से बांध देंगे। अब आप यहाँ पे 1 2 3 4 चार चैन लेंगे इस तरह से फंदा लेंगे और इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आप 1 2 3 4 5 पांच चैन लेंगे, यहाँ आएंगे और देखें इसमें से इस तरह से फंदा उठाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन और फिर इसी में से डबल क्रोशिया। अब 3 चैन
और इसी में से फिर से डबल क्रोशिया जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरह से यहाँ रिपीट करेंगे एक चैन और फिर से इसी में से डबल क्रोशिया। देखिए जैसे हमने यहाँ ये लाइन बनाई थी उसी तरह से अब ये हमारी यहाँ लाइन ये बन जाएगी, एक हमारा यहाँ दो डबल क्रोशिया बीच में बढ़ जाएगा। देखें इसी तरह से पूरा सर्कल बनाएंगे, तीन यहाँ पे इस तरह से फ्लावर बन जाएगा और दो डबल क्रोशिया बीच में, फिर यहाँ तीन इसी तरह का फ्लावर चारों कोनों पे बन जाएगा और इनके आमने सामने इसी तरह के दो दो डबल क्रोशिया। अब देखें पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, इसमें आएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन ले लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया, पांच चैन लेंगे इसमें आएंगे यहाँ पे, देखें ये दो बने हुए हैं इनके, यहाँ से हम इस तरह से बीच में से डबल क्रोशिया लेंगे, एक चैन फिर से डबल क्रोशिया, अब तीन चैन बनाएंगे, एक बार फिर से इसी में से डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक चैन और एक डबल क्रोशिया, पांच चैन लेंगे इसमें आएंगे आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन और इसी में से फिर से डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पांच चैन इसमें आए इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर वैसे ही फ्लावर जैसे हमने यहाँ बनाया अब इस कोने इसी तरह बनाएंगे, एक चैन डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन डबल क्रोशिया, एक चैन और डबल क्रोशिया, पांच चैन बनाएंगे इसमें आएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर डबल क्रोशिया, पांच चैन इसमें आएंगे, एक चैन डबल क्रोशिया, तीन चैन और फिर से इसी में से निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन और डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब आप यहाँ पे दो चैन बनाएंगे, एक दो इस तरह से फंदा लेंगे और देखें ये इसमें से इस तरह से और इस तरह से दो दो बांधते हुए ऐसे आ जाएंगे, इस तरह से फंदा लेंगे। अब देखें हम इस तरह से इसमें सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात। अब देखें यहाँ पे सात बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप देखें यहाँ से इस तरह से ये गिनेंगे, एक दो तीन चार, ये चौथे में आके इस तरह से यहाँ आप बांध देंगे, देखें बीचों बीच एकदम बांध देंगे। अब आप इस तरह से ये जो हमारा छोटा सा फ्लावर बना हुआ है इसके इसमें से सात बार
डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। जैसे हमने ये लाइन नीचे भी बनाई थी उसी तरह से अब ये रिपीट हो रही है लाइन। अब आप यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेंगे, इसमें आएंगे और सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात। अब आप यहाँ आएंगे, देखें इस तरह से बीचों बीच चार गिनेंगे, एक दो तीन चार, यहाँ चौथे में इस तरह से बांध देंगे। अब आप ये देखें जो दो डबल क्रोशिया वी शेप बना हुआ है, इस वी शेप में से सात बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखें ये हमारा इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फ्लावर बनता जा रहा है। अब आप जैसे हमने यहाँ पे बीच में फंदा बांध दिया था, अब हम यहाँ बांधा हमने, अब ऐसे ही हम यहाँ बांधेंगे। देखें एक दो तीन चार, बीच में इस तरह से फंदा बांध देंगे, इसमें आएंगे। देखें ये फ्लावर जो बीचों बीच कोनों में बना हुआ है हर, इनके बीच में से हम सात बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें आएंगे सिंगल क्रोशिया लेंगे और इसमें फिर से हम सात बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आप यहाँ देखें बीचों बीच से बांध देंगे फंदा, चार डबल क्रोशिया गिन के यहाँ से चौथे में बीचों बीच बांध देंगे, इसमें आएंगे और सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें ये वी शेप है, इसमें सात बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ बांध देंगे बीचों बीच, एक दो तीन चार। इसमें फ्लावर वाले में आएंगे और सात बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया लेंगे और इसमें फिर से सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे,
यहाँ पे इसी तरह बीचों बीच फंदा बांध देंगे और इसमें फिर से डबल क्रोशिया 7 बार। बांध देंगे यहाँ और इसमें 7 बार इसी फ्लावर वाले में 7 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरी लाइन है हमारी रिपीट होती जा रही है। देखें अब इसमें सिंगल क्रोशिया और इसमें डबल क्रोशिया 7 बार। अब देखें यहाँ इस तरह से बांध देंगे। देखें ये इस तरह से हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब देखें अब हमारा यहाँ वी शेप, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप ये डिज़ाइन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ हमारा वी शेप एक बना है, अब हमारा यहाँ वी शेप एक यहाँ और एक यहाँ बन जाएगा 2। जब हम आगे बनेंगे तो हमारे वी शेप 3 हो जाएंगे। देखें जैसे मैंने इसमें बनाया है, हमारा ये फूल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। देखें यहाँ पर हमारा वी शेप में एक फ्लावर है, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर ये 4 हो गया। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा, हम जितना बड़ा बनाना चाहें उसके हिसाब से वी शेप। देखें जैसे यहाँ मैंने बनाया है, ये हमारा कंप्लीट होने के बाद यहाँ ये वी शेप एक यहाँ बनेगा, वी शेप एक यहाँ बनेगा, 2 यहाँ, एक यहाँ बनेगा, 3, एक ये 4, 1, 2, 3, 4। अब देखें हम यहाँ पे आए हैं, अब हमारा एक वी शेप में ये फूल बनके तैयार हो गया है। अब 1 और 2 वी शेप बनेंगे। यहाँ पे आप 1, 2, 3 चैन लेंगे और देखें इसमें से इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आप 5 चैन लेंगे, यहाँ आएंगे और इसमें से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन लेंगे और यहाँ इसी में से फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चैन लेने के बाद यहाँ आएंगे, देखें ये हमारा यहाँ वी शेप 2 बन के तैयार हो गया है। एक ये है और एक ये। देखिए यहाँ हमने 5 चैन ले ली है। अब आप इसमें आएंगे जहाँ हमारा फ्लावर बना है, इसी तरह से यहाँ पे हम बनाएंगे। देखें यहाँ से फंदा निकालेंगे और डबल क्रोशिया 1 चैन, फिर इसी में से डबल क्रोशिया 1, 2, 3 चैन, फिर से इसी में से निकालेंगे डबल क्रोशिया 1 चैन और डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 चैन बनाएंगे।
देखें अब हम यहाँ आए, जैसे हमारा ये बना था यहाँ वी शेप, अब यहाँ हमारे एक दो दो वी शेप बन जाएंगे और इसी तरह का फ्लावर इस कोने बन जाएगा, दो वी शेप, फिर यहाँ इसी तरह का फ्लावर बन जाएगा, दो वी शेप और यहाँ पे इस तरह का एक फ्लावर बन जाएगा। इसी तरह से रिपीट बाय रिपीट हम अपना ये डिज़ाइन बड़ा करते जाएंगे। देखें यहाँ आएंगे, इसमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन और इसी में फिर से डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच चैन और यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक चैन और इसमें डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ आएंगे ऐसे ही फ्लावर जैसा हमने इस कोने बनाया है ऐसे ही यहाँ बनेगा, डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से डबल क्रोशिया, तीन चैन और इसी में फिर से डबल क्रोशिया, एक चैन और डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच चैन, इसमें इसमें वी शेप बनाएंगे। देखें दो वी शेप, एक इस तरह का फ्लावर बना, फिर यहाँ दो वी शेप और यहाँ एक इसी तरह का फ्लावर बन गया, अब इसमें दो वी, दोनों में वी शेप बनेगा। एक चैन और एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच इसमें आएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच आगे इसमें आएंगे और उसी तरह से जैसे हमने हर कोने में फ्लावर तैयार किया है वैसे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, चैन, फिर से डबल क्रोशिया, एक दो तीन चैन, इसमें डबल क्रोशिया और एक चैन, फिर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ आएंगे वी शेप बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चैन और डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच, इसमें फिर से वी शेप, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, पांच चैन और यहाँ पे उसी तरह का फ्लावर। देखें एक डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, तीन चैन, फिर से डबल क्रोशिया, एक चैन और डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक दो, देखें दो चैन लेंगे और हम देखें जो ये वी शेप हमारा यहाँ पे जोड़ेंगे, इस तरह से फंदा उठाया और इधर इस तरह से फंदा इसमें से लेंगे और दो दो फंदा बांधते हुए बीच में आ जाएंगे। देखें ये हमारा ये वाली लाइन भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखें इसमें आएंगे वी शेप में और यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया सात बार बनाएंगे। देखें ये अब रिपीट हो रहा है हमारा,
जैसे हमने यहाँ वी शेप में यहाँ बनाया था सात बार डबल क्रोशिया, उसी तरह बनाएंगे। देखें ये सात हमने डबल क्रोशिया बनाया, और जैसे हमने नीचे इस लाइन में ये यहाँ पे हमने बांधा था ऐसे यहाँ बांधेंगे, और फिर इसमें सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसे बांध देंगे, और इसमें सात बार डबल क्रोशिया, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, और इसमें फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह करते हुए हमें पूरा ये सर्कल तैयार करना है, और स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से ये बढ़ाते जाएं। हमारा यहाँ एक वी शेप बना है, फिर यहाँ दो वी शेप बना है, इसके ऊपर जब हम बढ़ाएंगे ये सर्कल हमारा तैयार होएगा तो तीन वी शेप बन जाएंगे। इस तरह से हम अपना ये थाल पोश पूरा कर देंगे। देखिए मैं थोड़ा सा और बता दे रही हूँ आपको, ये बीचों बीच इस तरह से एक दो तीन चार चौथे में लाके इस तरह से यहाँ बांध देंगे, और इसमें आएंगे वी शेप में, और इधर सात बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आप यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से फंदा बांध देंगे, या यहाँ से एक दो तीन चार चौथे में ला के इस तरह बांध देंगे, और देखिए अब ये हमारा ये फ्लावर जो है इसके बीचों बीच से हम फिर सात बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें आएंगे सिंगल क्रोशिया, और फिर इसमें फिर से डबल क्रोशिया सात बार। अब आप यहाँ बीचों बीच इस तरह से फंदा बांध देंगे। देखें अब हमारा ये राउंड इस तरह से पूरा एक लाइन कंप्लीट हो गया। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये वाली लाइन भी आप कंप्लीट कर देंगे, और इसी तरह से हम बढ़ाते हुए डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।